कैंप आयोजित किया गया, आपने शिरकत की, कैसा आपको लग रहा है और क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? देखिए, बहुत ही शिव शक्ति सेवा समिति बहुत सराहनीय काम कर रही है और ये इलाका ही, पूरा इलाका ही लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और बहुत सारे साथी ऐसे हैं, कईयों ने तो कई बार ब्लड दिया है और कई नौजवान साथी, अभी 21 साल का एक साथी है जो फर्स्ट टाइम ब्लड दे रहा है, तो एक अच्छी शुरुआत भी है और लोगों में जागरूकता भी है, क्योंकि ब्लड खून देना लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों का जीवन आप बचा रहे हैं, उनके लिए मदद कर रहे हैं किसी भी असहाय के लिए, तो मैं ये इस बात पर जो है शिव सेवा समिति को इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और इस तरह से कार्यक्रम चलता रहे। सर, आपकी जीत एक बदलाव को लेकर भी थी, रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अब लोकसभा का सत्र भी चल रहा है, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो डॉक्टर अरविंद शर्मा है रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए संसद में उठाना चाहते हैं? ऐसा है, मैंने पहले भी बताया, झज्जर से फर्क, झज्जर जो लाइन है अपनी, रेवाड़ी झज्जर रोहतक, इसको हम कोशिश करेंगे कि झज्जर फर्रुखनगर और गुड़गांव से जुड़े, और बाढ़ मेट्रो का एक्सटेंशन हो, नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, झज्जर का एरिया भी नेशनल कैपिटल NCR में पड़ता है और वहाँ भादुरगढ़ से आगे तक मेट्रो आए, सांपला बढ़े, रोहतक बढ़े, कई सारी चीज़ें हैं, रैपिड ट्रेन हम कोशिश करेंगे, जो रैपिड ट्रेन की जो बात है वो दिल्ली रोहतक तक उसको जोड़ा जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसको उठाएंगे और किसानों के हित में, गरीब दलित बैकवर्डों के हित में जो भी मुद्दे होंगे, नौजवान साथी जो हमारे उनके हित में जो भी बात होगी उसको उठाएं। असेंबली चुनाव में भाजपा का जो अभियान है 75 बार का, उसको लेकर रोहतक लोकसभा से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा कितने आश्वस्त दिखाई देते हैं? देखा, चारों तरफ जबरदस्त जोश है मोदी जी के कामों का, हरियाणा में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के कामों का जबरदस्त जोश है। हर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है और जो लोकसभा में आशीर्वाद दिया इसी तरह से जुड़ करके, क्योंकि हर साथी को समझ में आ गया है कि सबका साथ सबका विकास जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, एकदम 100% करेक्ट नारा है और इसी के हिसाब से, जिसमें कोई किसी तरह की दुहाद नहीं है, किसी तरह की कोई इसमें इंडिस्क्रिमिनेशन नहीं है और सारे साथी मिलकर के इसको। सर, आखिरी सवाल है मेरा, क्षेत्र में कई गांवों में पानी को लेकर समस्या है, आज भी अकेड़ी मधुपुरी कुछ ग्रामीण आए हुए हैं, तो पानी का आपने देखा, पानी का मुख्यमंत्री जी ने भी जबरदस्त तरीके से कहा है सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, स्टैंडिंग ऑर्डर है कि भाई कहीं भी पानी की समस्या है उसको प्रायोरिटी पर लेकर के जल्दी से जल्दी उसको सुलझाया जाए। और दूसरा, आपने बजट में देखा मोदी जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण जी ने, जो पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने ऐसा बजट दिया है, उसमें बताया है कि पीने के पानी की समस्या आने वाले समय में पूरे देश के लिए इस बात को प्रायोरिटी पर लिया जाएगा कि पीने के पानी की, स्वच्छ पानी और किसानों के लिए खेती का पानी, दोनों समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल किया। बहुत बहुत शुक्रिया।